ये कपड़े को हमने फोर्थ एम में प्रेस किया हुआ है, प्रेस करके फोर्थ एम में पहले डबल किया ये, फिर ये इसकी फोर लेयर्स, हमने चार पार्ट बनाए, चार लेयरें बनाई हैं इसकी। अब हमारी जो तैयार शलवार है वो है 36। तो लेंगे हम पहले ऊपर से, ये हमने रखा हुआ है ऊपर नेफे की साइड, दो लेंगे हम 2 इंच नेफे के, ये जो मुड़ेगा 2 इंच पे, क्योंकि इसमें अलास्टिक भी डलेगी। अगर इस चाक से लगाती हूँ तो फिर नज़र नहीं आता इस पर, ये चाक ये नज़र नहीं आता, इसलिए ये वाइट वाला यूज़ किया। दो अब इसको हम करेंगे सीधा इसकी मदद से, ये लाइन लगाएंगे हम पूरी इस तरफ से दो पे, दो इंच की आ गई। अब इसे हम रखेंगे, ये तैयार है जो 36 है, 36 तैयार। ये 36 में आ गया ये। अब इसे हम 1 इंच रखेंगे इजाफी, जो आगे से मुड़ेगा नहीं है, क्योंकि इस पर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो ट्राउज़र टाइप, आगे पहुँचे पे इसकी डिज़ाइनिंग होगी वो भी बताऊँगी। तो वैसे मैंने रखा है इसका ये 1.5 इंच, आगे से मुड़े छुड़ेगा नहीं, तो वैसे मैंने 1.5 इंच रखा है। तो अब इसको हम लगाएंगे ये लाइन भी और ये लाइन भी, ये देखिए इसके बराबर में पहले ड्रॉ करेंगे ये लाइन, अब ये जी, अब ये इन दोनों में सीधी। अब लेंगे हम इसकी ये जो है चौड़ाई, चौड़ाई तो पहले ही से उसी तरीके से ली हुई थी, क्योंकि इसकी ये जो है ये है, इस तरफ से बता देती हूँ, ये है इसकी 16 तैयार है। तो आगे सिलाई के दबाव में आके 17 मैंने रख दिया, 17। ये इसकी इस तरफ जो पहुँचा नहीं है, पहुँचा बाद में करेंगे, ये इसकी चौड़ाई है जो खुली है हमारी शलवार 17 है, क्योंकि लड़की इतनी हेल्दी नहीं है, वो पतली सी है, तो इसलिए 16 तैयार है। तो 17 हमने इजाफी 1 इंच रख लिया जो सिलाई के दबाव में आता है। अब लेंगे हम पोंचा, पोंचा तैयार है 6.5 इंच, ये 6.5, तो हम लेंगे 7.5 इजाफी, ये आएगा गटन का निशान, ये लेंगे ये। तो ऊपर से बात है ऊपर नेफे आसन की तरफ, ये बगैर बेल्ट की है, इस पर बेल्ट नहीं डलेगा, तो इसलिए इसका हम लेंगे आसन 16.5 17 होता है आम नॉर्मल हालत में, तो ये इतनी हेल्दी नहीं है, इसलिए इसका लेंगे 16.5। हम देखिए ये रखा हुआ है ये विद इसके ऊपर 2 इंच के साथ ही लेंगे हम, ये जो दो लिया था तो इसके समेत ही हम लेंगे 16। ये इसको छोड़ना नहीं है, जब ये आप ऐसे आसन नापेंगे तो इसको ये छोड़ना नहीं है, ये 2 इंच के साथ ही हम ये ऊपर एंड पे रखेंगे इंच टेप, ये 2 इंच के साथ ही एंड पे रखा हमने ये ऊपर जी, ये हम निशान लगाएंगे 16.5 पे, 17.5 होता है नॉर्मल हालत में, मगर इसका थोड़ा सा कम 16 लेंगे हम, ये 16। फिर 2 इंच लेंगे यहाँ से हम गोलाई के, 2 इंच एक निशान लगेगा ये 2 इंच पे, जो गोलाई का हमने लेना है ये 2 इंच, और आगे से फिर लेंगे हम 5 इंच पे दूसरा निशान, ये 2 ये और 5 ये। अब इसकी इसी तरह एक लाइन, सीधी लाइन हम लाएंगे, लेंगे सीधी लाइन इस पे, ये सीधी लाइन हो गई, ये सुन इस पे निशान। अब ऊपर से भी मैं 2 का लगा लूँगी, ताकि ये 2 का ये ऊपर से 2 लगा लूँगी, ताकि यहाँ से यहाँ तक लाइन लेने में आसानी रहे, ये 2। अब ये लाइन और वो आपस में मिला लूँगी, ऐसे मिला लेंगे ये यहाँ से यहाँ तक, ये मिला ली ये लाइन, ये लाइन। अब इस लाइन को इसके साथ मिला लेंगे, इस वाली जो पूंछ की कटिंग की ये लाइन है, इसके साथ मिला लेंगे,
ये सीधी करके मिला ली हमने, ये मिल गई है इसके साथ। अब करेंगे हम यहाँ से, अब लेंगे हम यहाँ से यहाँ 14 इंच तक, ये यहाँ पर रखेंगे हम, एडजेक्टिव देखेंगे कहाँ पर हमें 14 इंच आता है। ये 13-14 नहीं, ये हम लेंगे इसको थोड़ा सा 12 इंच पे भी थोड़ा सा लेंगे हम। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर रखा, और यहाँ से अगर ज़्यादा आपकी लंबाई है तो आप 14 पर भी ले सकते हैं, 12, 13, 14 पर भी ले सकते हैं, आप 13 पर भी ले सकते हैं, आप 15 पर भी ले सकते हैं। जबकि इसकी लंबाई इतनी नहीं है तो इसलिए हमने इसकी ले ली है 11 पर इसका लिया, और इसको देंगे हम इस तरफ से शेप थोड़ी सी आगे से। जी ये देखिए इसकी यहाँ से लाइन ड्रा की, ये तो सीधा इस तरफ से ऐसे लाइन लेके गए हैं, ये इसको यहाँ से इसके साथ मिला दिया। अब यहाँ की जो गोलाई है यहाँ से देंगे यहाँ तक, अब करेंगे इसकी कटिंग ऊपर से नीचे तक इसी तरीके से सेम इसी निशान पे जो हमारे निशान लगे हुए हैं, ये पेंट की पेंट और शलवार की शलवार तैयार हो गई। फिर इसके पंचे पे भी डिज़ाइन बता दो। अब बात है इसके ऊपर की तरफ, यहाँ से हमने कटिंग कर ली, अब लेंगे आगे से हम इसी तरीके से ये चीज़ ऐसे चलाएंगे हम, ये इसको ये जोड़ के, ये अब इसको इस साइड से कट करेंगे। अब इसको यहाँ से अलग करो जी, छोटी सीजर से इसको ये अलग करेंगे। Okay.